गुड इवनिंग बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के उस टॉपिक के बारे में जिसमें आपको बहुत ही खास समस्या रहती है। यह क्लास नाइन्थ का वह टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम से ही डर जाता है बच्चा, समझ में नहीं आता कि कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करेंगे, क्या होती है सेल, क्या होती है सब सेल, कैसे रदरफोर्ड, थॉमसन, नील्स बोर सब लोग मिलजुल करके इस मॉडल के बारे में काम किए। इन सभी विषयों पर बात तो नहीं होगी, बात केवल इस पर होगी कि हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं। थोड़ी बात रदरफोर्ड और बोर से रिलेटेड करा करके हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें हम क्या बातचीत करने वाले। देखो, जो टॉपिक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, इसमें इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मीनिंग क्या होती, सबसे पहले आप ये जानिए। नाम से समझ में आ रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ करेंगे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। पहला क्वेश्चन कहते हैं सेल में करेंगे, सेल क्या होती है, कहते हैं वो एटम के अंदर पाई जाती है, एटम क्या होता है ना, फिर एटम क्या होता है, तो हम लोग शुरू करेंगे इसको एटम से, ठीक है। एटम का वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे या स्टार्ट करेंगे, एटम क्या है, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल का क्या कॉन्सेप्ट है, डॉल्टन ने क्या बात बताई थी, एटम के बारे में जान करके उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ करके तब हम आगे की बातचीत आज की क्लास में करेंगे। तो आइए एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर ये कोई पूछ ले तो हम कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ, या ऐसे आप बोलिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि किसी भी एटम के या एलिमेंट के अंदर जो सेल होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आया कि सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कहाँ पाया जाएगा, सेल क्या होती है, सब सेल क्या होती है, कैसी होती है, एटम दिखता कैसा है, एटम की साइज क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस जगह पे होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल कहाँ पाई जाती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ या एटम के अंदर, क्या होता है कॉन्सेप्ट, इस पर आइए विचार कर लेते हैं। मॉडल अभी नहीं पढ़ा रहे हम, आपको केवल एक बात बताएंगे उस पर गौर करिएगा, यानी कि हम सबसे पहले क्या सीखने वाले, सबसे पहले हम वो बात करेंगे जिस पर सबसे पहली बात हमारी क्या होगी, सुनिए, सबसे पहले हमारी बात आपसे होगी एटम के बारे में, यानी कि एटम है क्या। अगर हम आपसे पूछें कि एटम क्या है, तो इसमें ही हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो एटम से रिलेटेड क्या, कि एटम होता क्या है। एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि हम किसे कहेंगे एटम, तो हम पढ़ते हैं किसके अनुसार, जॉन डॉल्टन ने 1808 में एटम के बारे में सबसे पहले बताया था। तो जॉन डॉल्टन ने 1808 में जो एटम के बारे में बताया था वो क्या बताया था, क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, उसी के बारे में हम आपको समझाते हैं। जरा गौर करिएगा कि एटम के बारे में हम वो कौन सी बात समझाने वाले हैं आपको जो जॉन डॉल्टन ने बता दिया था। जरा अब हमें समझना होगा कि एटम के बारे में जॉन डॉल्टन ने कहा क्या था और उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। जरा गौर से ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, बस एक मिनट समय दे दो, शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉन डॉल्टन, ठीक है। जॉन डॉल्टन आए कब बेटा, 1808 में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एटम के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि ठीक है आपकी इच्छा है तो आप बताइए क्या बताना चाहते हैं। तो जॉन डॉल्टन ने सबसे पहली बात की कि एटम जो होता है वह एटोमियो नामक शब्द से मिलकर बना हुआ है, यानी एटोमियो नामक शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है, और एटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी कि सबसे पहली बात आई कि जो एटम की बात उन्होंने की वो कहते हैं कि एटम के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने एटोमियो का कॉन्सेप्ट लिया और इसका मीनिंग होता है बेटा इनडिविजिबल, यानी कि इनडिविजिबल का मतलब कि जिसको हम डिवाइड ना कर सके वही एटम।
इन्होंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी मटेरियल को ले लेते हैं और उस मटेरियल को या कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस आप ले लीजिए, उसको कट करते जाइए, कट करते जाइए, कट करते जाइए, एक समय के बाद ही आप एक ऐसे छोर पर पहुंचेंगे, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जिसको आप फर्दर कट नहीं कर पाएंगे या डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वही आपका एटम होगा। हमने कहा कि जरा थोड़ा कुछ करके बताइए कैसे होगा एटम। हमने कहा यह एक मैटर है, कोई भी हमने एक मैटर एज्यूम कर लिया, हम कहते हैं इसको कट करना शुरू किए, कट करना शुरू किए, लास्टली हम एक ऐसा पॉइंट पाएंगे जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, जो पॉइंट हमें मिलेगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वही एटम है, ऐसा जॉन डाल्टन का कहना था। जहां कुछ भी नहीं थी वहां पर लोगों ने एटम के इस कॉन्सेप्ट को जॉन डाल्टन के द्वारा जो बताया गया था उसे एक्सेप्ट किया और फॉलो करना शुरू कर दिया। अभी जो बातचीत हम कर रहे हैं इसको बस इतना ही समझना है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं बेटा, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए हम जो बात कर रहे हैं। वैसे तो एटम का जो कॉन्सेप्ट होगा, जब आपको हिस्ट्री ऑफ या डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट, डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में बताया जाएगा, तो वहां पर सबके कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया जाता है कि किसने क्या किया, क्या क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों कैंसिल हो गया, क्या क्या बातें थी, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। वन शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड करेंगे, उसमें आप देखिए एटम की इंडिविजुअल कहानी के बारे में हमने समझ लिया। यहां से हमें समझ में आया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी किसी मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट है वह हमारा क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी किसी एटम का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसी को हम एटम कहते हैं, या हमने समझ लिया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी किसी मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज एटम। यानी पहली पॉइंट में हमने देखा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, और सेकेंड पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी कि हम इसको फिर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में हमने कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, और सेकंड पॉइंट में हमने ये कह दिया इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इसको हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, इसके बारे में हमने समझ लिया। ये किसने बताया, मैंने नहीं, जॉन डाल्टन ने ऐसा बताया, जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट्स आए। ये तो छोटी सी बात हो गई, आगे चल के फिर आपको पढ़ाया गया होगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आप क्या पढ़ते हो, जॉन डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उसमें ये बताया जॉन डाल्टन ने कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में है क्या, उनके अपने एटॉमिक थ्योरी में ये था। जरा हम आपको रिमाइंड कर देते हैं क्योंकि हम ज़्यादा इसको खींच के नहीं चलेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डाल्टन ने सबसे अहम बातें अपने पोस्टुलेट में ये की थी। उसके बाद डाल्टन ने ये कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, लिख देता हूं वो भी, आप दो और हैं उसको भी समझ लीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी या सिमिलर प्रॉपर्टी, आप कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। आप कहते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, दो बात उनकी हुई, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि हम इन पोस्टुलेट्स पर बात करते हैं। कहा गया कि सबसे छोटा होता है एटम, एटम से छोटा और कुछ नहीं है, ये डाल्टन ने कहा। दूसरी बात कि किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाओ, एक समय के बाद उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, जब हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटम। यानी हमने कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हमने ये कहा इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी इसे पुनः डिवाइड नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट में हमने ये देखा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, यानी किसी एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होती है, ये तीसरा पॉइंट। और चौथे में हमने देखा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, चार पोस्टुलेट्स डाल्टन ने दे दिए। तीसरे और चौथे पोस्टुलेट में आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, जरा समझिएगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अब आपको कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि आपको एलिमेंट और एटम में डिफरेंस नहीं पता है, ठीक है, तो पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि आप क्लास 9th के एक स्टूडेंट हैं,
यानी अगर आप क्लास नाइन्थ में पढ़ते हैं तो जो नाइन्थ की पूरी होल क्लास हो गई आपकी, जो क्लास नाइन्थ है आपकी, वह एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट के अंदर 60 बच्चा अगर बैठ के पढ़ रहा है तो वो उसके एटम्स हो गए। अगर उसमें एक भी बच्चा रहेगा तब भी तो वह नाइन्थ का ही बच्चा है ना, इसका मतलब वह एटम इस समय एलिमेंट कहा जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के जितने भी एटम हैं, यानी उस क्लास नाइन्थ में बैठे हुए सभी बच्चों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, सबके बुक कॉपी सब एक ही तरह की होगी, सब पढ़ने में एक ही तरह के होंगे, ऐसा डॉल्टन ने कहा, जबकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात क्या हुई, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मान लो एक नाइन्थ का बच्चा है और एक टेंथ का बच्चा है, तो नाइन्थ एक एलिमेंट हो गया, टेंथ दूसरा एलिमेंट हो गया, तो हम कह रहे हैं कि नाइन्थ के एक बच्चे की जो प्रॉपर्टी है, क्या वह टेंथ के किसी दूसरे बच्चे की प्रॉपर्टी से मैच करेगी क्या? नहीं, डिफरेंट है। यानी नाइन्थ के सारे बच्चे एक तरह की प्रॉपर्टी के हैं, टेंथ के एक तरह की प्रॉपर्टी है। इन्होंने कहा कि नाइन्थ के बच्चे की प्रॉपर्टी टेंथ के बच्चे की प्रॉपर्टी से कहीं भी मैच नहीं करेगी, कंप्लीटली डिफरेंट होगी, ऐसा इन्होंने कह दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इनका कॉन्सेप्ट जो इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में, वो फेल मार गया। कैसे वो फेल कैसे हो गया, जरा सुनिएगा। इन्होंने कहा सबसे छोटा होता है एटम, एटम से छोटा कुछ नहीं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा इसको काट नहीं सकते, छांट नहीं सकते, बांट नहीं सकते, इससे छोटा कुछ होगा ही नहीं। कहे अरे ऐसा भी है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। एक तरह के एटम्स अगर किसी एक एलिमेंट के अंदर है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, अलग अलग तरह के एटम है तो उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। पूरी बात सही थी इनकी, किसकी, जॉन डॉल्टन की, जो 1808 के कॉन्सेप्ट में इन्होंने बता दिया। तो फिर सर गलती कहाँ से हो गई? गलती ये हो गई ना कि उसी दौरान तीन नए साइंटिस्ट उभर कर बाहर आए, जिनका नाम आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जे थॉम्सन आए, रदरफोर्ड आए और जेम्स चैडविक आए। ये लोग अपना अपना कॉन्सेप्ट लेकर के आए। तो जे थॉम्सन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक ने उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई बेटा, तो ये तीनों लोग आए अपनी बात जाकर डॉल्टन से बताएं कि डॉल्टन साहब हम तुम्हारे मॉडल को, हम आप तुम्हारे नहीं, हम आपके मॉडल को निपटाने के लिए आपके पास आ चुके हैं। कहें कैसे निपटा दोगे तुम हमारे मॉडल को? कहें मुझे ऐसा लगता है कि जिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम तीनों भाइयों ने मिलकर खोजा हुआ है, ये आपके एटम से छोटे हैं और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपके एटम के अंदर पाए जाते हैं, आप इसे एक्सेप्ट करें। यानी कि जॉन डॉल्टन से थॉम्सन, रदरफोर्ड और चैडविक ये बात जाकर के कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं और ये एटम के अंदर पाए जाते हैं। क्या कहा इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, यानी कि यह एटम के अंदर पाए जाते हैं। इन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने कहा कोई साक्ष्य है आपके पास, कोई प्रूफ है? इन्होंने कहा नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किया हूं। किसने कहा? थॉम्सन, रदरफोर्ड और चैडविक ने। कैसे किया है वो अलग मैटर है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हमने डिस्कवरी किया है। कैसे? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। आप कैसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है? उन्होंने ये कहा कि आगे बात आ गई किसकी? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। जरा गौर करिएगा, हम आपको बताते हैं कि यहीं से कॉन्सेप्ट में एक नया खेल हुआ, वह कुछ इस प्रकार से हो गया। यानी कि यहीं से जन्म हुआ किसका? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो खेल हुआ बेटा, वो कुछ इस प्रकार से था। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पहली बात आई इलेक्ट्रॉन की, दूसरी बात, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के रखिएगा, समझ में आ जाएगा। तीसरी बात आई न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात आ गई। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल। ये तीनों डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इनकी डिस्कवरी हुई थी। अब कहा गया कि इलेक्ट्रॉन को थॉम्सन ने खोजा। किसने खोजा? थॉम्सन ने। सर कहाँ रखा था? भूसा वाले घर में? कहा ना ही बच्चा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से। तो इलेक्ट्रॉन को जे थॉम्सन ने खोजा,
प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने खोजा, कहीं कहीं गोल्डस्टीन लिखा रहता है तो आप घबराए नहीं, दोनों लोगों का नाम। और तीसरे नंबर पे अपने बड़े भाई जेम्स चैडविक से पूछते हैं, ये कहे जवान कौनो और ही नहीं जाएगा, वही न्यूट्रॉन है। आगे आने वाले वीडियो में बहुत डिटेल में इसको हम समझाएंगे आपको। थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक, ये तीनों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। बात बिल्कुल पते की थी, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात थी, अच्छी बात। अब समझ में ये आता है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, यानी हमें यह पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है, तो ये तीनों लोग गए किसके पास, डाल्टन के पास, और डाल्टन से जाकर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है और यह एटम के अंदर है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर है तो तुम प्रूफ करके दिखाओ, क्या तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, क्या तुम्हारा प्रोटॉन एटम के अंदर है। तो तीनों, वही एक कहानी हम पढ़ाया करते हैं, आगे वीडियो में हम बताएंगे उस काल्पनिक कथा की भी बात हम करेंगे कि वो कथा कैसे थी और कैसे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद। अब देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तो डिस्कवरी हो गई बेटा, लेकिन लफड़ा यहां फंसा ना कि डाल्टन साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर है, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो क्यों नहीं तुम ही एटम की डिस्कवरी कर देते, मैं जो एटम बनाया हूं इसकी डिस्कवरी मैं जो किया हूं, इसमें तुम क्यों फालतू तामझाम कर रहे हो, तुम खुद जाओ और ऐसा एटम बनाओ जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसके अंदर प्लेस करके लाओ, हम मान लेंगे कि तुमने इसकी डिस्कवरी की है एटम की। तो फिर वही हुआ था, तरबूजा खोजे, एक गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट करावत रहे और लास्ट में नील्स बोर आए तो बता दिए कि नहीं ऐसा होगा, तब जाकर एटम की डिस्कवरी हुई। तो हम एटम की डिस्कवरी वाले टॉपिक को कट कर देते हैं यहां से, हम सीधा चलते हैं कि डिस्कवर्ड एटम दिखने में कैसा है उस पर विचार करते हैं। फिर उसके बाद हुआ क्या कि जे जे थॉमसन ने एक मॉडल बनाया, वाटरमेलन मॉडल, और उस थॉमसन ने वाटरमेलन मॉडल बनाया जिसमें आपको पढ़ाया गया होगा, या नहीं पढ़ाया गया तो आने वाले वन शॉट लेक्चर में हम आपको पढ़ा देंगे, क्या कि उन्होंने एक तरबूजा लिया, तरबूजे में देखा बीज है, तरबूजे में देखा रेड वाला पार्ट है, उसके बेसिस पर उन्होंने कहा कि तरबूजा क्या होता, गोल होता है, इसलिए एटम गोल होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पाया जाता है। बाद में इनसे रदरफोर्ड पूछ लिए, भैया तुम्हारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों साथ ही साथ है, इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों साथ साथ हो जाएगा तो प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, तुम्हारे एटम की ऐसी तैसी हो गई, इनका एटम खत्म हो गया। थॉमसन के बाद रदरफोर्ड के पास गए तो रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड फॉइल की कहानी समझाई, गोल्ड फॉइल पर उन्होंने न्यूट्रॉन्स की अल्फा रेज की बम्बार्टमेंट कराई, हीलियम 2+ का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था, कुछ रेज बाहर चली गई, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ सीधे निकल गई, इसके बेसिस पर एटम का एक नया कॉन्सेप्ट आया। जो नया वाला कॉन्सेप्ट आया था उसमें कहा गया कि जो एटम होता है उसका शेप तो स्फेरिकल है, लेकिन एटम के अंदर जो बीच में बेटा न्यूक्लियस पाया जाता है, ये किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है और न्यूट्रल हमारा न्यूट्रॉन होता है, यानी न्यूक्लियस ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज होता है। और फिर उनसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन लगातार इसमें रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है। इतनी बात जब हो गई तो कुछ दिन बीता तो रदरफोर्ड से पूछा गया, भाई साहब जरा ये बताओ जिस इलेक्ट्रॉन को तुम घुमा रहे हो, फिजिक्स से एक साइंटिस्ट कूद के केमिस्ट्री में आ गए और कहने लगे, क्या कहने लगे, कहे हम आए हैं हमको बताओ, कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ घुमाओगे तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, वो बीच में गिर जाएगा, निपट जाएगा, पूरा मॉडल खत्म हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स समझा रहे थे, निपटा दिया मॉडल इन्होंने, फिजिक्स वाले साइंटिस्ट ने आकर कहा भैया माफ करना लेकिन ये सही नहीं है इसलिए हमने आपको ऐसा बता दिया। रदरफोर्ड का मॉडल खराब हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो उनका घूम रहा था वो घूम घूम के न्यूक्लियस में गिर जा रहा था। फिर आए नील्स बोर, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक, और इन्होंने आकर के अपना नया कॉन्सेप्ट बताया। रदरफोर्ड अपनी आप बीती सुनाते हैं नील्स बोर को, क्या बता जाते हैं नील्स बोर को, उनको समझाते हैं क्या कि साहब कुछ गलती नहीं हुई है, जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब ये घूम रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन वहां गिर जा रहा है न्यूक्लियस में, ऐसा फिजिक्स वाले ने बता दिया है। कहे अच्छा तो ऐसा करो ना, हर ऑर्बिट की एनर्जी लेवल फिक्स कर दो, यानी हर सेल का एनर्जी फिक्स कर दो, यह सलाह नील्स बोर ने दिया। एटम का पूरा कॉन्सेप्ट अपने नाम कर लिया और रदरफोर्ड, थॉमसन सब निपट गए। अब हम नील्स बोर के इस कॉन्सेप्ट को लेकर और आगे की तरफ पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर बात करेंगे। जरा सुनिए,
हम आपको बताते हैं कि एटम की उस कहानी पर आते हैं, जरा गौर करेंगे आप, उम्मीद करता हूं कि हम आपको अच्छा समझा देंगे। ये एटम सुनिए, हमने कहा कि एटम जो होता है उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर होता है। क्या उसमें एक पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, यानी ढेर सारे उसमें पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्या ये 2D में होता है? क्या नहीं, 3D में होता है, क्योंकि स्फीयर 3 डायमेंशनल डायग्राम्स के अंतर्गत आप पढ़ते हो। ये देखिए, ये कहा गया, ये क्या है? गोल गोल का है, गोल गोल कटहर ये बना। क्या ये है हमारा न्यूक्लियस? एटम के बारे में जो सबसे पहली बात हुई वो कहा गया कि ये बेटा क्या है? न्यूक्लियस। कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। हम डायरेक्ट आ गए हैं अपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक हमें पढ़ना उस पर। प्रोटॉन जो होता है ये है और न्यूट्रॉन ये है। तो कहते हैं जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये बात हमें पता हो गई। ये क्या है? ये पूरा अपना एटम भाई साहब है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, एटम तुम ऐसे बरकरार बने रहो। अब कहा यह गया कि जिस सेल की तमन्ना लेकर आप घूम रहे थे, ये क्या है? ये जो आपको गोला गोला दिखाई दे रहा है ये क्या है? सेल है। ये हमारी पहली सेल है जिसको हम प्यार से के सेल कहते हैं। ठीक है, लोगों ने इसको क्या नाम दिया? के सेल है। ये एल सेल है, ये एम है, ये एन है, और ये आपका एटम वाली बाउंड्री हो गई। कहें सर सेल में क्या ये पूरा है, क्या ऐसे राउंड में है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, कुछ लोग इसके जो ये लाइन दिखाई दे रही इसमें इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं, लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये सेल पूरी है, यहां से लगा कि यहां तक ये पूरा सेल के अंतर्गत आता है। एक सेल कही गई, पहली सेल का नाम के सेल दिया गया, दूसरी सेल को एल कहते हैं, तीसरे को एम कहते हैं, चौथे को एन कहते हैं। यानी कि चार सेल का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, यानी कि हम पढ़ पाए कि सेल जो है हमारे पास इसको हमने के कहा, एल कहा, एम कहा और एन कहा। के एल एम एन का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, यानी कि सेल के बारे में हम समझ गए। इसी को हम ऑर्बिट भी कहते हैं प्यार से, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे ऑर्बिट कहिए चाहे सेल कह लीजिए। यानी कि हमने कहा कि चार सेल हैं हमारे, वह क्या है? के एल एम एन। ऐसा किसने बताया? नील्स बोर ने बताया। शुरुआती तौर में रदरफोर्ड ने फिर क्या बताया था? रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो ऑर्बिट्स है ना, फिक्स ऑर्बिट, इनमें इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड घुमा दिए थे। कहे घूमत हो, अरे घूमत हो अच्छी बात है, लेकिन यार इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? आप किसी के चारों तरफ क्यों घूमते हो? अगर आपको उससे कुछ जरूरत होती है तब ना आप किसी के चारों तरफ घूमते हो। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो तुम कितने दिन दूसरे के चारों तरफ घूमोगे भाई? नहीं घूम सकते। घूमते घूमते उसी के पास गिर जाओगे, निपट जाओगे, उसको भी निपटा दोगे, तुम भी निपट जाओगे। इसलिए किसी के चारों तरफ हम तभी घूम सकते हैं जब हमें उससे कुछ आकांक्षाएं होती हैं। तो आइए, यहां पर हमने के एल एम एन का वह केस लिया। इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, एनर्जी पा नहीं रहा था, थोड़ी देर में घूमत घूमत उसी न्यूक्लियस में टब से गिर जा रहा था, और रदरफोर्ड का पूरा मॉडल निपटा चला जा रहा था। रदरफोर्ड की बीपी बढ़ गई, रदरफोर्ड गए किसके पास? नील्स बोर के पास, अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए। नील्स बोर ने समाधान न दे करके पूरा मॉडल ही छीन लिया, कहा कि बेटा अब तुमसे नहीं हो पाएगा, हम तुम्हारे बाप हैं। नील्स बोर ने अपना दिमाग लगाया और नया कॉन्सेप्ट बताया। नील्स बोर कुछ नहीं बताए थे, इन्होंने कहा था फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। किसने? रदरफोर्ड ने। नील्स बोर ने कहा कि फिक्स एनर्जी लेवल की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यानी कि उन्होंने हर ऑर्बिट की एनर्जी लेवल क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। बस रदरफोर्ड ने इतना ही किया था। अब ये तो बात तो बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने, रदरफोर्ड ने कहा ऑर्बिट का दूसरा नाम सेल है, सेल हमारे पास चार है, जिसमें उन्होंने कहा के एल एम एन ये चार सेल है। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा कि ये जो सेल है ना, इन्हीं सेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन फिर दूसरा सवाल आया कि अगर इन्हीं सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि इलेक्ट्रॉन को घुमाने वाला कौन है? है ना, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन को घुमाने वाला कौन है। एक तो आप पहले कहावत पढ़ते थे कि लाल लाल लट्टू नचाने वाला कौन है, धरती माता सो गई जगाने वाला कौन है। वही कहानी इसकी भी है।
कि पड़ा तो है इलेक्ट्रॉन यहां, लेकिन इसको घुमाने वाला कौन है? तो सेल में पाया जाने वाले इलेक्ट्रॉन को घुमाने वाला कौन है? तो अब नील्स बोर ने कहा कि यहां लाल लाल लट्टू वाला खेल खत्म हो गया बेटा, यहां देना पड़ेगा एनर्जी। अब वो एनर्जी कहां से आएगी, एनर्जी कैसे दी जाएगी, इस पर अभी इस क्लास में आपको विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल ये जानिए कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और हर ऑर्बिट की एनर्जी उन्होंने फिक्स कर दी। एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल बताऊं तो हम कहते हैं कि कभी आपने रेस देखा होगा, ओलंपिक गेम आप देखते होंगे, वहां पर ऐसे बताया जाता है, एक आदमी यहां खड़ा होता है, दूसरे को भी अगर सबको यही खड़ा कर दिया जाए तो सिंपल सी चीज है, यहां सरकमफेरेंस कम है, यहां पर जीत जाएगा आदमी, और इधर इधर वाले में क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा, सिंपल ही है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां खड़ा करते हैं, दूसरे को यहां, तीसरे को यहां, चौथे को यहां, ऐसे करके हम दौड़ाते हैं ना, जिससे कि ये डिस्टेंस बराबर हो जाए। अच्छा, अगर सबको आपको यहीं से दौड़ाना है, इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, सबको अगर आपको यहीं से दौड़ाना है, ये पहला प्लेयर हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन को एक साथ दौड़ा रहे, क्या करोगे? करोगे ये, आपने कहा कि 10 राउंड दौड़ना है, अभी तो बेचारे दौड़ लेंगे, ये मुंह बाइक पड़े होंगे कहीं रास्ता में, क्योंकि इनके बस की बात तो है नहीं 4 राउंड। अब कहते हैं कि अगर ऐसा करना है तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। कहे कैसे, इनको 1 राउंड दौड़ के जब आए तो इनको 1 गिलास पानी पिला दो, ये दौड़त रही, दूसरे वाले को देखो, ये जब दौड़ेंगे तो इनको आपको कुछ ना कुछ और राशन देना पड़ेगा, ग्लूकोन डी रखे रहो, 1 बोतल इनको घोल दियो और पीते रहे, दौड़ते रहे। इनके पास जाओगे तब इनके पास ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इनको गुड़ पानी कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे इनकी एनर्जी मेंटेन रहे। और चौथे वाले के पास जाओगे, हाँ अभी गुड़ पानी ना चलें, इंजेक्शन भर के रखे रहो, है ना, जानवरों को जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है, दौड़ते रहे, दौड़ा के इंजेक्शन मार दो। अगर दौड़ा के इंजेक्शन चौथे वाले को मार दोगे तो ये 10 राउंड कंप्लीट कर लेगा, और हर राउंड में एनर्जी बूस्टर डोज इसको देते जाओ, सनसनाग दौड़ेगा, और चौथा वाला बिल्कुल बराबर राउंड पे कंप्लीट कर सकता है। तो हमने कहा कि हर किसी को एनर्जी हमें फिक्स करनी पड़ेगी, किसको एनर्जी में क्या देना है, पहले वाले को क्या देना है, दूसरे वाले को क्या देना है, तीसरे वाले को क्या देना है, चौथे वाले को क्या देना है, लेकिन एनर्जी इतनी देनी है कि वह इलेक्ट्रॉन कहीं गिरे न, न्यूक्लियस में ना आए, इसका ध्यान रखना। तो हमें ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, फिर भी आदत से मजबूर हूं, बात हो ही जाती है। आइए चलते हैं, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जान चुके हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में, फिक्स एनर्जी लेवल की ऑर्बिट में घूम रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप 1 शॉर्ट वीडियो जरूर देखें। आइए हम और आगे बात करेंगे, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें और क्या चीजें होंगी। हमने कहा कि हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह से है, तो हम कहते हैं किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, सर हम कैसे जान पाएंगे? इलेक्ट्रॉन तो इसमें घूम रहा है, प्रोटॉन इसके अंदर न्यूक्लियस में बैठाए हैं आप, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस का डेरा जमा के रखा है, अब हम कैसे जान पाएंगे? तो इसमें एक बड़ा ही शानदार फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। उस फॉर्मूला से पहले हमें जानना होगा कि किसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल, यानी किसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है मार्केट में 2n2। हमने कहा कि 2n2 एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल में कितने होंगे वो हम पता कर सकते हैं। हमने कहा ये 2n2 के फॉर्मूले के बेसिस पर आप पता कैसे लगाएंगे? हमने कहा कि कोई इसमें बहुत ज्यादा सोचनी विषय नहीं है, n की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ से 2 × 1² कर देंगे, हमें 2 मिल जाएगा। हमने कहा n की वैल्यू 2 रख देंगे तो यहाँ से हम 2 × 2² कर देंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। हमने कहा कि n की वैल्यू 3 रख देंगे तो 2 × 3² कर देंगे, यहाँ से हमें 18 मिल जाएगा। n की वैल्यू 4 रख देंगे तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, 2 × 4² कर दिया तो यहाँ से हमें 32 मिल जाएगा। इस प्रकार से KLMN आज अपने बारे में बताने लग गया, 2, 8, 18, 32 का कॉन्सेप्ट अपनाने लग गया, यानी कि यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यानी हमने कहा ये 2, 8, 18, 32 का जो कॉन्सेप्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, यानी पहली सेल कहती है कि मैं 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन
नहीं रख सकती, दूसरी कहती है मेरे में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरा कहता है मेरे में 18 होंगे, चौथा कहता है कि मेरे में 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। हमने कहा ठीक है, जो आ रहे हैं पहले उन्हें देखते हैं, यानी के एलिमेंट जो 4 सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन 2, 8, 18, 32। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन की मीनिंग आपको जानदार समझ में आ जानी चाहिए, क्या कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहलाता है, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज ईसी। ठीक है, ईसी, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सीसी नहीं है ना, बोतलई है, ईसी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो 2, 8, 18, 32 का यह रूल लगाएंगे और अभी खनखना के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपको यह तो पता चल गया कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता क्या है, उसका रूल क्या है, ये जान गए, और हम ये जान गए कि कौन सी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। सर हमें ये जानकारी हो गई, के सेल कहती है कि मेरे में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मत भरना, इसने कहा 8 से ज्यादा मत भरना, इसने कहा 18 से ज्यादा भरने की जरूरत न करना। हमने कहा 2, 8, 18, 32 का ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, लेकिन अभी लफड़ा कहाँ से है, कैसे भरे, कैसे भरे इलेक्ट्रॉन एटम तुम्हारे अंदर, हमें तो तेरा न इलेक्ट्रॉन पता है, न तेरा प्रोटॉन पता है, न तेरा न्यूट्रॉन पता है। यानी एक एटम से एक बच्चा पूछता है कि एटम कोई ऐसा तरीका है क्या जिससे तुम ये बता सको कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कितना है, तुम्हारे प्रोटॉन कितना है, तुम्हारे न्यूट्रॉन कितना है। कैसे जान पाए हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है, किसी एटम में प्रोटॉन कितना है, किसी एटम में न्यूट्रॉन कितना है। इस चीज़ को जानने के लिए आइए देखते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले के वो दो फॉर्मूले जो बहुत ही बेहतरीन है, जिससे आप सॉल्व कर पाएंगे खटाखट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए चलते हैं आगे और डिस्कस करेंगे हम एक एक बात को। अब हमें समझना क्या, समझना ये है कि हम पढ़ना तो चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हमारे पास ये है कि अच्छा एक चीज़ और है कि हमें पता है कि हमारे यहाँ हर एलिमेंट का अपना अपना एक नंबर है, यानी एटॉमिक नंबर के बारे में हमें जानकारी है कि हर एटम का एक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर का प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से क्या रिलेशन है, मास का क्या रिलेशन है, ये भी हम समझेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे किसी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट बहुत, अब बिल्कुल गाड़ी लाइन पे आ चुकी है, थोड़ा सा सावधानी के साथ आप काम पेश आएंगे तो बिल्कुल अच्छा होगा। एक्स जेड ए हमने कहा, हमने कहा कि एक्स जेड ए की मीनिंग क्या है। हम कहते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का इससे शानदार तरीका मार्केट में पूरे नहीं है। हमने कहा कि एक्स की जगह पर हम सोडियम लिख देते हैं, यहां 11 लिख देते हैं, यहां 23 लिख देते हैं। कहे सर जी क्या हो गया, कहे कुछ नहीं बेटा, ये जेड का मतलब होता है यह एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर का सिंबल हमारा क्या होता है, जेड होता है। और एटॉमिक नंबर इस केस में कितना है, 11 है। आप कंपेयर करके देखिए ए का मतलब क्या है, तो कहा गया ए का मतलब होता है बच्चे एटॉमिक मास, जो कि हमेशा एटॉमिक नंबर का डबल से 1-2 ज्यादा या डबल ही रहता है। तो ये एटॉमिक मास हमारा 23 हो गया। हमने कहा ये सर जी एक्स क्या है, तो एक्स में बच्चे ने कहा कि सर ये सिंबल ऑफ एलिमेंट है, यानी कि सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट का जिक्र किया जा रहा है उसी एलिमेंट का सिंबल दिया गया है, यानी कि सिंबल ऑफ एलिमेंट में यह हमारा सोडियम का सिंबल है। कहें इसका मतलब सर सोडियम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर कितना है, ये तो हम जान गए, उसका एटॉमिक मास कितना है हम ये भी जान गए, मगर हम तो ये अभी भी नहीं जान पाए उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके प्रोटॉन कितने हैं, उसके न्यूट्रॉन कितने हैं। सर हम तो पूरा प्रयास यही जानने के लिए यहां आए हुए हैं कि जब तक हम इलेक्ट्रॉन को जान नहीं पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर पाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का कॉन्सेप्ट निकाल कैसे पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को संभाल कैसे पाएंगे। तो आइए एक बार प्रयास करके उसको भी देख लेते हैं। शायद मुझे लगता है कि बात आपको रिप्रेजेंटेशन की समझ में आ गई होगी, अगर आ गई हो तो आगे चलिए। अगली बात हमारी क्या, जरा गौर करिएगा। अगले बात में हम ये पढ़ते हैं कि एक रिलेशन हम पढ़ेंगे, वो रिलेशन क्या है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो ये आपके है, यह देखो बेटा इसमें जो खास चीज ये है ना कि इसमें जो चैप्टर दिया गया है कुछ पोर्शन फोर्थ से लेना पड़ता है, कुछ थर्ड से लेना पड़ता है, तभी ये पूरा क्लियर हो पाएगा। हमने कहा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन यानी जो एटॉमिक नंबर होता है वह नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E होता है। यहाँ स्मॉल P और स्मॉल E का ही जिक्र भी किया जाएगा, उससे ज्यादा का जिक्र नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हमने कहा यहाँ दूसरा फॉर्मूला जो हमने लगाया उस फॉर्मूले पे हम क्या पढ़ पाते हैं, जो हम आपको बताते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है। जब ये कहीं पर लिखा जाता है तो कुछ इस प्रकार से ये आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। एटॉमिक मास की जगह पर ए लिख दिया बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी लिख दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन लिख दिया, तो ए इज इक्वल टू पी प्लस एन हो गया। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। इसका मतलब हम ये जान पाए कि जो न्यूक्लियस का मास है वही एटम का मास है। यानी कि किसी एटम का मास हमेशा उसके न्यूक्लियस के मास पर डिपेंड करता है और न्यूक्लियस का मास उसका हमेशा उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम पर डिपेंड करता है। यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, उसके सम पर डिपेंड करता है। अब सवाल आया कि सर न्यूट्रॉन कितने होंगे हमको कैसे पता चलेगा, प्रोटॉन कितने होंगे हमको कैसे पता चलेगा। जरा ऊपर देखो ना, एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होगा तो तुम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पता करने में रोते क्यों हो। जब एटॉमिक नंबर जानकारी हो जाएगी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी तो उतना ही होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। कहें सर वो तो ठीक है लेकिन न्यूट्रॉन कितना होगा। कहें बेटा अभी अभी जरा ये वाला जरा देखो, अभी कुछ समय पहले ही हमने ये बताया कि ये ऐसे आया, जब जब ये ऐसे आया तो आपको भड़काया। देखो जेड की वैल्यू 11 है तो जेड बराबर पी बराबर ही होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी 11 के। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। कहते हैं कि अगर इसमें देखें तो इसमें क्या है, एटॉमिक मास कितना है 23, यहाँ 23 प्लेस कर देंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 11, यहाँ 11 लिख देंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप आसानी से फाइंड आउट कर ले जाएंगे। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर सोचने का क्या विषय है, इसका मतलब आप अब बड़ा आदमी बन सकते हैं। तो हमें अब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए झंझट नहीं उठानी है, लेकिन किसी न्यूट्रल केस में हम ये चीज पढ़ रहे हैं। अब हम पहुंचेंगे सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। हम देखेंगे किसी एटम के अंदर हमें क्या जानना था, हमें मेनली जानना यह था किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हमारी पूरी कहानी इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंडेंट है। हमने 2, 8, 18, 32 का रूल पढ़ लिया है, हमें जानना है किसी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसी के बेसिस पर तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की बात की जाएगी। तो आइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बात करते हैं और एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निपटाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, बोर्ड पर हम एक एक पार्ट आपको समझाएंगे, खूब गौर से ध्यान से बढ़िया से मजा से समझते चलो, राजा तो बन ही जाओगे। बस ये है कि कितना प्रयास राजा बनने में आप अपना लगा रहे हैं इसी पर सारी बात डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से हेडिंग डाल लेना और अब चलो एक चीर दे रहा हूँ बोर्ड को दो पार्ट में। आइए सबसे पहले चार्ट, बाद में पहले हम देखते हैं कि हे हाइड्रोजन हम तुम्हें भूल नहीं पाएंगे, तुमने जो हमारी हालात की है ये 1H1 ऐसे लिखा जाता है। आपको पता है कि ये हाइड्रोजन से आप इतना नाराज क्यों हैं, क्योंकि पता नहीं कितने आप जैसे लोगों का जीना हराम कर दिया। जिसके जिसके जीवन में सही से आया ठीक है, अगर थोड़ा सा अटपटे तरीके से आया आयन वायन बना करके तो निपटा के चला गया। हम देख पा रहे हैं कि इस केस में जेड बराबर पी बराबर ई बराबर 1 हो जाता है, जो कि कुछ ऐसे लिखा जाता है। हाँ सही बात है, हम कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। हम कहते हैं जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सर हम कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1। यानी कि हाइड्रोजन एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के पास ये पहला सेल है, ठीक है, दूसरा सेल तीसरा जो होगा उसकी जरूरत नहीं है। हम तो एटम की कहानी हम पढ़ रहे हैं, हम केवल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो हमारा हाइड्रोजन एटम कैसा है, हमारा न्यूक्लियस है उसमें पहली सेल है।
इस पहली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आपने जैसा कि इसी के अंतर्गत पढ़ा है 2, 8, 18, 32 पढ़ा है ना, तो हमने कहा 2, 8, 18, 32 आपने इसी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, तो हमने कहा कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पहली सेल में भरे जा सकते हैं, ये हमारी के है, ये हमारी एल है, एम एन ओ पी ऐसे बन जाएगा, लेकिन हम के की बात करें तो हम मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। मैक्सिमम कहा गया तो मतलब ज्यादा से ज्यादा की बात हो रही है, तो हम कम से कम तो एक भर ही सकते हैं ना, लेकिन हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा, दो से ज्यादा तो नहीं भर सकते, तो हम एक भरना है, तो हमने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल वन हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। तो हम कहते हैं इसी में एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा नाम आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी सेल के, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये एटम है, इस एटम की जो आउटर मोस्ट सेल की बात की गई, इसमें आउटर तो एक ही सेल है ना, तो इसमें क्या है, इसमें तो कुछ है नहीं, जो कुछ है वो इसी में है, तो जब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा बेटा वन, और इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी, यानी किसी से जुड़ने की जो क्षमता होती है उसी को तो हम वैलेंसी कहते हैं, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ एन एटम इज नोन एज क्या, वैलेंसी। तो इसके जब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, इसका मतलब इसकी वैलेंसी वन हो गई। अब हाइड्रोजन करेगा क्या, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन क्या चाहता है, हाइड्रोजन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है, हाइड्रोजन हमेशा सोचता है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, दूसरी वाला सेल का इलेक्ट्रॉन सोचेगा, दूसरी सेल चाहती है कि 8 हो जाए, यही कॉन्सेप्ट हर कोई चाह रहा है, यानी हर कोई अपने आउटर मोस्ट सेल में चाहे 2 इलेक्ट्रॉन करना चाह रहा है, चाहे 8 करना चाह रहा है, जो 2 करने की चाहत रखता है वो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है, यानी वो डुप्लेट करता है, और जो 8 रखना चाहता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहता है। ये डुप्लेट क्या होता है और ऑक्टेट क्या होता है, डुप्लेट का मतलब कि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम पाते हैं कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और वह डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, वह एक नोबल गैस है, जबकि हीलियम के बाद हम नियॉन पे चलते हैं तो नियॉन में हम ये पढ़ते हैं कि नियॉन के पास क्या है, 10 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वह एक नोबल गैस है। तो जैसा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहती हैं वैसा ही हर एलिमेंट सोचता है, यानी हर एलिमेंट नोबल गैस बनना चाहता है, हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए वह नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने का विचार बनाता है। तो ये नोबल गैस की कहानी हम सुन रहे थे। तो हर कोई सोच रहा है हीलियम बन जाए, आप भी तो सोच रहे हैं पढ़ लिख करके ढेर सारा पैसा कमाए, राजा जैसी जिंदगी हो जाए, आप भी तो स्टेबल होने के लिए ही परेशान है ना। तो बेटा स्टेबल हर कोई होना चाहता है, और हर कोई अपने स्टेबिलिटी के लिए दूसरे से बॉन्ड बनाता है। हम आपसे क्यों जुड़े, आप हमसे क्यों जुड़े, या हम किसी से भी अगर जुड़े हैं, हमारा किसी से कॉन्टैक्ट है, रिलेशन है, तो इसका मीनिंग है जो कहते हैं हम स्वार्थी नहीं है, हम कोई स्वार्थ में कोई काम नहीं करते। खाक तुम स्वार्थी नहीं हो, अरे स्वार्थी नहीं होते तो केमिस्ट्री नहीं पड़ जाएगी भाई, कैसे आप कह सकते हो आप स्वार्थी नहीं हो। आप किसी के साथ बॉन्ड बनाते हो तो आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, कभी आपकी जरूरत है आपने उससे कुछ मांग लिया, आप उसको कुछ दे दिया, ये क्या है, आदान प्रदान की जो प्रक्रिया बताई गई है ये हमारी केमिस्ट्री सिखाती है, कहीं नई चीज नहीं है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए हर कोई परेशान है, और इसके लिए वह बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड कैसे बनाएगा, कभी वह अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है, कभी वह दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कहे चाहे जवन हो जाए हम डुप्लेट बनाए, यानी हम अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे चाहे जैसे रखें। कहे कैसे रखोगे, कहे मांग लेंगे, कहे भिखारी हो, कहे हाँ, कहे कि कोई नहीं दिया तो कहे जवन हमारे पास है वो दे देंगे। इसका बड़ा अच्छा सा एग्जांपल हाइड्रोजन इतना कंफ्यूजिंग नेचर का क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम है, ये 2 तरह का आयन बनाता है, इसके साथ सबसे बड़ी लफड़ा ये, हाइड्रोजन H प्लस बनाता है और H माइनस बनाता है। H प्लस को हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, H माइनस को हम हाइड्राइड आयन कहते हैं। ठीक है, जैसे घर में अगर कोई चीज खाने की आ जाए
तो एक आध दो लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं हम पूरा लेब को मतलब घर में अगर चार लोग हैं तो अगर बिस्किट आठ है तो दो दो बिस्किट सबको मिल जाएगा तो सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। उसमें एक बच्चा कहता है नहीं हम लेंगे तो पूरा लेंगे दो पैकेट हमको चाहिए। दो पैकेट कहां से मिलेगा तुम ही बताओ कहां से मिलेगा दो पैकेट। कह रहे हैं हमें दो पैकेट चाहिए, हम कहते हैं कि हम दो पैकेट खाएंगे तभी हम स्टेबल होंगे। तब बच्चवा कहता है कि एक पैकेट पाया है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक पैकेट पाए हैं, एक पैकेट पाने की तमन्ना रखें कि एक ठौर मिल जाए। क्यों? क्योंकि एक और मिल जाएगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना अगर एक किसी और से ले लिए तो। हाइड्रोजन कहता एक पैकेट और दे दो। बाबजान कहना बेटा एक पैकेट और नहीं मिलेगा। कहना दे वो ना लो जो लिए हुए हो फेंक दिया बिस्कुट वाला। समझ पाए मेरी बात को? एक पैकेट बिस्किट पाए थे सपोज करिए हम हाइड्रोजन, लेकिन हम जिद पे आ गए कि पापा लेंगे तो दो पैकेट बिस्किट लेंगे, नहीं तो जो दिए हो ये भी ले जाओ। तो जब जो मिला था वो भी दे दिया तो एच प्लस बना दिया, यानी उसके पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर उसने किसी से ले लिया एक इलेक्ट्रॉन तो एच माइनस बना दिया, उसके मतलब उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। तो एक एच प्लस की कहानी हो गई, एक एच माइनस की हो गई। एच प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन हो गया, एच माइनस का मतलब हाइड्राइड आयन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्राइड आयन कुछ इस प्रकार से बनते हैं। ये दोनों बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, यानी कि चाहे जो हो जाए हर कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। हर कोई सोचता है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में दो हो जाए। जैसे हम कहते हैं खाप तो एक थाली खाप, ना खाप तो खावे ना करब। अरे यार नहीं खाओगे तो तुम्हारी मर्जी है ना, नहीं खाओगे तो हाइड्रोजन जैसा बन जाओगे, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तुम्हारे पास। और जिसकी चाहत है वो एच माइनस बनाओगे, हाइड्राइड आयन कहलाएगा। एक हाइड्रोजन आयन होता है बेटा, एक हाइड्राइड आयन होता है। तो आयन्स क्यों बनते हैं ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। आयंस इसलिए बनते हैं क्योंकि वो भी सोचते हैं कि हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकें, और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट आयंस के फॉर्मेशन के लिए हम अप्लीकेबिलिटी में नहीं लाते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हम चलते हैं हीलियम के बारे में बात करते हैं। हीलियम हाइड्रोजन की तो बड़ी ही कठिन कहानी से गुजरते हुए हम तुम्हारे पास आ गए। कुछ अपने बारे में बताओगे क्या हीलियम? हीलियम ने कहा मेरा एटॉमिक नंबर दो होता है, मेरा एटॉमिक मास चार होता है, मैं एक नोबल गैस हूं, मैं किसी से रिएक्शन नहीं करती, मेरे अंदर बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं है, मैं नोबल गैस हूं, इनर्ट गैस के नाम से जानी जाती हूं, किसी से जुड़ने की कोई टेंडेंसी नहीं हमारे अंदर। हमने कहा भाई साहब इतना तेज बोलोगे हीलियम तो हम समझ नहीं पाएंगे। कह नहीं प्यार से बताओ तुम। कहे हम नोबल गैस है, हम बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाते हैं, हमारे यहाँ प्यार और का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हम अकेले रहते हैं, साधु सन्यासी का वेश धारण किए हैं, हमें किसी देश दुनिया में हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हम कहे हाँ यार ये सही है, तो तुम्हारे बारे में कुछ लिखना सही है कि नहीं? कहे नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मेरा भी होता है। हमने कहा तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कहे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। हीलियम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, जेड बराबर पी बराबर ई बराबर दो बताती है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए बेटा? दो आए। जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो है। हमने कहा पहली सेल में कितने मैक्सिमम भरे जा सकते हैं? दो। तो दो से ज्यादा तो भर नहीं सकते। हमने कहा जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन बना के देखते हैं। हमने कहा ये लो पहली सेल में दो इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, यानी कि के सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए दो लिख दिया, यानी कि यहां अगर ऐसे बनाओगे के एल एम एन तो एल एम एन खाली रहेगी, के में दो इलेक्ट्रॉन रहेगा। कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा? कहे जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में होंगे वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी आउटर मोस्ट सेल तो यही है ना, आउटर मोस्ट सेल मतलब जितना है उससे मतलब नहीं, आउटर मोस्ट सेल का मतलब होता है कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही। तो आउटर मोस्ट सेल में इसके दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? दो हो जाएंगे। कहे इसकी वैलेंसी, हमने पूछा हीलियम तुम्हारी कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे है, तुम जुड़ती कैसे हो, बॉन्ड कैसे बनाती हो? थिलियम कहती यार तुम बड़े बेवकूफ हो, बार बार एक ही बात पूछ रहे हो, मेरी बैलेंसी जीरो है, मैं किसी से बॉन्ड नहीं बनाती, मैं नोबल गैस इनर्ट गैस के नाम से जानी जाती हूँ, रिएक्शन करने की कोई क्षमता नहीं हमारे अंदर, मैं स्टेबल साधु सन्यासी जैसे हूँ। हमने कहा अच्छा, लेकिन हीलियम तुम तो एक बार हम सुने थे वो तुमको किसी ने न्यूट्रॉन्स फेंक दिया था, तुम्हारे पास न्यूट्रॉन से मार दिया था तुम्हारी खोपड़ी में, उस दिन तुमने अपने दोनों हाथ खोल दिए थे और तुमने एच ई टू प्लस का फॉर्मेशन कर लिया था, उस समय लोग तुम्हें अल्फा रेज के नाम से जान रहे थे, बड़ा सब पूरा चारों तरफ बवंडल मच गया था कि तुम्हें अल्फा रेज के नाम जानने लगे, क्या तुम उस समय दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दी थी क्या हीलियम?
कहीं और क्या क्या सोचते हो, नोबल गैस कभी रिएक्शन नहीं करूंगी, परेशान करोगे तो एक बार करके देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन खोल दिया, 3×10^7 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाती है, अल्फा रेज के नाम से जानी जाती हूँ, जहां जाती हूँ अगर घुस गई तो मुझे कोई निकाल नहीं सकता, इतनी हमारी प्रॉपर्टी है। स्किन कैंसर कराने के पहले मैं वापस नहीं लौटती। हमने कहा मतलब सीधा साधा हो तो इतने खतरनाक भी हो? कहें हाँ, जब तक नहीं बोला था तब तक ठीक है, अगर बोल दिया ना तो फिर उसके बाद मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। हमने कहा अच्छा, तुम्हारी प्रॉपर्टी बड़ी जानदार है यार। कहें हाँ, समझते रहना, वैलेंसी जीरो है, नोबल गैस का कॉन्फिग्रेशन अटेन कर चुकी। हमने पूछा हीलियम एक बात बताओ, हर कोई तुम्हारे जैसा क्यों बनना चाहता है? तो हीलियम कहता मैं नोबल गैस हूँ, मैं इनर्ट गैस हूँ, मेरे आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरी वैलेंसी जीरो है, मैं रिएक्शन नहीं करती, हर कोई स्टेबल होना चाहता है मेरी जैसे, इसीलिए हर कोई मेरे जैसा बनना चाहता है। तो हमने पूछा हीलियम तुम्हारे जैसा बनने के लिए संसार में लोग कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, लोग भीख मांग रहे हैं कटोरा ले लेकर के इलेक्ट्रॉन की। हीलियम ने कहा और का अपना ऐसा जलवा भी है। हमने कहा चलो अच्छी बात है हीलियम, अच्छा लगा तुमसे मिल करके, ठीक है आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाइड्रोजन अपने बारे में सब कुछ बता चुका है, हीलियम अपने बारे में सब कुछ बता चुका है, कैसे हो रहा है बहुत डिटेल में हम आपको समझा रहे हैं, और इतना डिटेल में तो नहीं समझाता लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूँ। आओ दूसरे के बाद हम इसी के अंतर्गत तीसरे नाम पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आज की डेट में लिथियम, जिसको प्यार से लोग Li7 कहते हैं। हमने कहा कि जेड बराबर पी बराबर ई हो जाता है तो 3 लिखा जाता है। अब हमारी स्पीड में थोड़ी सी बढ़ोतरी पाते हुए आप जरा देखिएगा, इस फॉर्मूले को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई मोटिव नहीं है यहाँ पर, हमें तो केवल इलेक्ट्रॉन से मतलब है। हमने कहा जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन लिखेंगे तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरे में 1 हो जाएगा। कहें सर बात समझ में नहीं आई, कोई ज़रूरत नहीं समझने की, आइए दोबारा देख लेते हैं। हमने कहा हमारे पास के सेल है, एल सेल है, एम सेल है और एन सेल है, तो पहली सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गए? 2 हो गए। जब हम दूसरी सेल की तरफ बढ़े, हमने पहली सेल से पूछा कि भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन तुमको और दे दे, क्या कहें पगला गए हो, हमको 1 इलेक्ट्रॉन और दोगे तो हम ले ही नहीं पाए क्योंकि हमारी टेंडेंसी 2 से ज्यादा की है नहीं। तो हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन के सेल तुमको दे दिए तो 3रा इलेक्ट्रॉन कहां देंगे? कहें 3रा इलेक्ट्रॉन एल सेल में ले जाओ ना बेटा। 3रा इलेक्ट्रॉन जब एल सेल में ले गए तो हमने कहा के सेल में हमारे पास 2 हो गए, एल सेल में कितने हो गए? 1 हो गए। तो इस केस में हमने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं द आउटर मोस्ट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 हो गए। अच्छा वैलेंसी कितनी होगी? अब फिर वही बात आई, लिथियम से हमने पूछा कि भाई साहब तुम्हारी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, वैलेंसी कितनी? कहे कुछ भी हो। लिथियम से हमने पूछा तुम चाहते क्या हो? कहे हमारी दूसरी वाली जो एल सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, एक बात, या तो मेरा कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। हमने कहा तो क्या सोच रहे हो, 7 किसी से मांगा जाए या 1 तुम्हारा लूज कर दिया? कहे यार हमारे इतनी औकात नहीं कि हम 7 किसी का लेकर संभाल पाए इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि हम अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे और लूज करके हम खुद हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे, क्योंकि हीलियम भी नोबल गैस है, छोट है तो क्या हुआ, लेकिन हीलियम भी तो नोबल गैस है, और नोबल गैस है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 अभी अभी बताया हूं। और अगर भैया हम 1 इलेक्ट्रॉन अपन लूज कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? 2, और 2 बचेगा तो हम स्टेबल हो जाएंगे, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले जाएंगे। हमने कहा यार बिल्कुल सही बात है, तुम तो बिल्कुल जानदार तरीके की बात की। तब हीलियम अपनी वैलेंसी बताता है कि हम 1 से ही बॉन्ड बनाएंगे, हमारी वैलेंसी भी 1 होगी। हमने कहा तुम्हारे अंदर आयन का क्या कॉन्सेप्ट है? लिथियम कहता है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, Li+ बनाएंगे, लिथियम आयन के नाम से भरी सभा में जाने जाएंगे, Li+ लिथियम आयन। अब देखिए 3 नंबर के बाद 4 नंबर पे आते हैं। बेरिलियम से बात हो गई, बेरिलियम ने हमने कहा कि बेरिलियम क्या हाल है, बेरिलियम ने कहा 4-8, ठीक है 4-8, 9 के आसपास लिखते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, 8 ही लिखे। अगर हम कहते हैं इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, आपको क्या मालूम है, जेड बराबर पी बराबर ई हो जाएगा, ई की वैल्यू यहां पर 4 लिखा जाएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो पहली सेल में 2 आएगा, दूसरी सेल में 2 आएगा, क्यों? क्योंकि KLMN का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से बताया जाएगा, 2, 8, 18, 32 का रूल आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत, यह रूल मार्केट में आ चुका है। अब देखिए पहली सेल में 2 से ज्यादा भर नहीं सकते, दूसरी 8 से ज्यादा भरने नहीं देगी, तो 8 से ज्यादा नहीं भरने देगी, तो 8 से कम तो भर ही सकते हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन
कितने हो जाएंगे? दो, क्योंकि ये न्यूक्लियस हो गया। ये पहली सेल में हमने दो इलेक्ट्रॉन भरते हुए दिखाया, दूसरी सेल में भी दो इलेक्ट्रॉन हमने पाया। इस केस में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने कितने दिखाए? दो दिखा दिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? ये के है, ये एल है, एल में दो इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो हो गए। हमने कहा, हे बेरिलियम बताओ तुम्हारी वैलेंसी कितनी होगी? कहे कि हमारी वैलेंसी दो होगी। हमने कहा, तुम आयन कौन सा बनाओगे? कहे जैसे वो लिथियम कह रहे हैं वैसे हम वो करेंगे। हमने कहा, कौन सा आयन बनाओगी? तो कहे Be2+ बनाएंगे, बेरिलियम आयन के नाम से मार्केट में जाने जाएंगे। यानी कि इन्होंने कहा हम Be2+ बनाएंगे, हमारा नाम बेरिलियम आयन कहा जाएगा। हमने कहा, बड़ी अच्छी अच्छी बात तुम लोग करते हो, तभी तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि तुम्हारी क्या मनसा है। आओ पांचवें पे चलते हैं, बोरॉन के पास पहुंचे। बोरॉन से हमने पूछा, बोरॉन भाई साहब क्या हाल है? कहें कुछ नहीं, सब जीवन चल रहा है, सब आप लोगों की दया है। हम कह, दया तो आप लोगों की है जो इतना सब खेल मचाए हो, पढ़ पढ़ के हमको मार डाले हो। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11 हो गए। क्या करोगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया जाए। KL आपने पढ़ा है, KLMN दो, पहली सेल में दो हो गए। अब कितने बचे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन? सॉरी तो गड़बड़ा गया यार, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पांच। पहली सेल में दो भर दिया तो दूसरी सेल में कितने आएंगे? तीन। हमने कहा कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाऊं क्या? पहली सेल में दो लिख दूं, दूसरी सेल में एक दो तीन हो गया, यानी के सेल में हमारे दो इलेक्ट्रॉन, एल में कितने हो गए? तीन हो गए। इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। कहते हैं आयन बनाता है क्या? नहीं, आयन का केस इसमें नहीं है, क्योंकि यह एक्सेप्शनल कहानी है। पांचवें के बाद छठवें में आया, छठवें में आइए कार्बन। कार्बन से मैंने पूछा, कार्बन क्या हाल है? कहें कुछ नहीं भैया, सब आपकी कृपा है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 6 लेकर बैठे हो, अभी कृपा की बात कर रहे हो। जेड की वैल्यू 6 है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। हमने कहा है, और बताओ इलेक्ट्रॉन अगर इसमें 6 हो गए, किसी को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको सही कर लो। हाँ कहें, ये सर दो बार जेड लिख दिया। जेड की वैल्यू 6 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। हमने कहा तुम्हारा ईसी कितना होगा? कहें हमारा सीसी 2.4 होगा। हमने कहा तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई लोग कैसे हैं? कहें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। हमने कहा तुम्हारी वैलेंसी? कहें वैलेंसी भी 4 होगी। हमने कहा क्या करोगे, 4 को लूज करोगे कि 4 को गेन करोगे? कहें नहीं, हम वो वाले में कि नहीं है। हमने कहा तब? कहें हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कहें ई कौन अच्छी रही कि ना हो बच्चा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसका मतलब ये कहते हैं कि हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कि हम ना किसी को कुछ देंगे ना किसी से कुछ लेंगे, हम आपस में ही साझेदारी करके बॉन्ड बना जाते हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से हमारा सारा काम चलता है। आगे चल के कार्बन C4+C4- रेयर केसेस में कहीं मिलते हैं तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसमें आयन का कोई केस नहीं था। कार्बन के बाद आगे आते हैं, कार्बन के बाद अगली बात हमारी होगी नाइट्रोजन पर। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा बड़े आदमी की तरह से बात करेंगे। हमारा नाइट्रोजन 7वें नंबर पे है, घबराने की जरूरत नहीं है। जितना आराम से पढ़ोगे, एक बार पढ़ लोगे तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए? 7 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन 7 है ना टोटल, तो सॉल्व करोगे तो ईसी निकालो तो पहली सेल में कितने हो गए? 2, दूसरे में 5। ये न्यूक्लियस बना दिया, ये पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, दूसरी सेल में ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। हमने कहा के सेल से और एल सेल से आपस में बात किया, हमने कहा एल सेल अब क्या करोगे? अब तो तुम्हारे आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। कहे तो क्यों चिंता करते हो, मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले भी जो था वही डिफिनीशन रहेगी, बदलेगी नहीं, मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आज भी 5 ही है। हमने कहा वो तो ठीक है, वैलेंसी के बारे में क्या सोच रहे हो तुम? नाइट्रोजन बताओगे क्या? क्या तुम 5 इलेक्ट्रॉन अपने घर से बाहर निकाल पाओगे क्या? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या उसको घटाओगे क्या? उसने कहा यार 5 इलेक्ट्रॉन निकालना तो कठिन है, और 5 अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके हम छोटा एटम बने, हम तो बड़ा आदमी बनना चाहते। हमने कहा तो एक काम करो, 3 गेन कर लो। कहे हाँ यही करूंगा। हमने कहा तो फिर तुम 3 गेन करोगे? कहे हाँ। तो हमने कहा तुम्हारी वैलेंसी कैसे लिखूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? कहे 8 में से 5 घटा दो, देखो कितना आ रहा है 3। तो लोगों ने पूछा कि तुम 8 में से क्यों घटवा रहे हो, तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे 3। कहे नहीं, जब 8 में से घटाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम नॉन मेटल हैं। कौन कहता है? नाइट्रोजन।
जितने नॉन मेटल होंगे उनकी वैलेंसी ऐसे घटा के निकाली जाएगी। आठ में से पांच क्यों कराया गया बेटा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एल सेल इज इक्वल टू एट, तो हमें कितने की जरूरत है एल सेल में आठ करने के लिए, तीन की, पांच तो है ही, तीन अगर ये कहीं से ले ले तो इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये आठ कंप्लीट कर लेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा, यह इसलिए तीन किसी से लेना चाहता है। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि ये आठ बनाने के लिए तीन किसी से लेना चाहता है, और जब नाइट्रोजन तीन किसी से ले लेता है तो एन थ्री माइनस इस पर लग जाता है, कर्जा लोगे तो खोपड़ी पे माइनस लिख ही जाएगा, और इसको हम नाइट्राइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्राइड आयन कहते हैं, इसे हम आइड आयन के नाम से लिखते हैं। जब किसी सिंगल एटम पर निगेटिव चार्ज आएगा तो उसे हम आइड आयन कहते हैं, और जब किसी सिंगल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम ईएम आयन कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, उसके बाद बेरिलियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रॉन्शियम आयन, बेरियम आयन। वैसे ही आप ये भी पढ़ सकते हो, देखो नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन और हैलाइड आयन। तो इस प्रकार से आयड का भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ सकते हैं। तो ये कहानी इसकी हो गई। आठ नंबर पे आइए, हमने कहा आयंस के लिए सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जब किसी सिंगल एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वह ईएम आयन बनेगा, अगर उस पर निगेटिव चार्ज आएगा तो वह आइड आयन बनाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप जानना चाहते हैं तो आप अवश्य जाने क्या लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, फ्रांसियम आयन, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रॉन्शियम आयन, बेरियम आयन, रेडियम आयन, और आगे चलिए एल्युमिनियम आयन, गैलियम आयन। और किसी एटम पर अगर निगेटिव चार्ज आता है सिंगल एटम के ऊपर तो वह आइड आयन बनता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, हाइड्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन, सुपरऑक्साइड आयन, ये हो गया। उसी के साथ फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, एस्टेटाइड आयन, हैलाइड आयन, ये इस प्रकार से हम ईएम और आइड आयन को समझ पाते हैं। आइए अगली बात, आठ नंबर पे चलते हैं। ऑक्सीजन हमारा आठ हो गया और ये सोलह हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आठ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका क्या होगा? कहते हैं पहली सेल में दो, दूसरे में छह। फिर क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? छह। वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? अगर वैलेंसी की बात करोगे तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। इसका मतलब यह दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो O2 माइनस बनाएगा, तो O2 माइनस को हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड आयन कहते हैं। इसी में एक और आता है, वह क्या होता है? O2 2 माइनस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर ऑक्साइड आयन कहते हैं। इसी में एक इसके भाई साहब और हैं जिसको हम प्यार से कहते हैं O2 माइनस, तो वो क्या हो जाता है? वो सुपर ऑक्साइड होता है। तो एक ऑक्साइड, एक पर ऑक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड होता है। इस प्रकार से हम इसको पढ़ पाते हैं। तो ये ऑक्सीजन की कहानी। ऑक्सीजन के बाद अगली बात हम करेंगे आपके साथ, आइए जहां पर हम पढ़ रहे हैं फ्लोरीन की बात। देखिए फ्लोरीन नौ नंबर पे आए, तो ये क्या है? फ्लोरीन है। इसकी स्पेलिंग में बड़ा लफड़ा है, तो इसको जरा समझना। फ्लोरीन हमने कहा कि तुम्हारा एटॉमिक नंबर नौ है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कहे नौ है। हम कहे तुम्हारी ईसी क्या होगी? कहे 2.7, पहले सेल में दो, दूसरे में सात। हमने कहा तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कहे 7। हमने कहा तुम्हारी वैलेंसी कितनी होगी? तो कहती है कि मेरी वैलेंसी 8-7 बराबर 1 होगी। हमने कहा तुम इलेक्ट्रॉन कितना गेन करोगे? कहे एफ माइनस में फ्लोराइड आयन बनाई हूँ, आज भी बनाऊंगी। हमने कहा चलो ठीक है, हैलाइड की परिवार से जानी जाती है इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। फ्लोरीन के बाद नियॉन के पास आए। अब थोड़ी स्पीड में आप देखिएगा हमारी बात होगी आपके साथ। नियॉन के इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बस हो गए 2.8 लिख दिए। पहली सेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी सेल में आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। जब दूसरी सेल में आठ हो गए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आठ हो गए। इसकी वैलेंसी निकाले गए तो हम कहे ए नियॉन तुम्हार का हाल है? कहे हमारा हाल बहुत आराम से है, तुम्हार का है? हमने कहा वैलेंसी जीरो है तुम्हारी। कहे हाँ मैं नोबल गैस हूँ, किसी से रिएक्शन नहीं करती, इनर्ट गैस के नाम से जानी जाती हूँ, मेरी जीवन अलग तरीके का है, मैं अलग तरीके की जिंदगी जीता हूँ।
किसने कहा? नियॉन। नियॉन ने कहा मैं बिल्कुल अलग तरीके की जिंदगी जीता हूं, तुम समझ नहीं सकते, मैं नोबल गैस हूं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तो तुम रिएक्शन नहीं करोगे क्या नियॉन? नियॉन ने कहा नहीं, मैं रिएक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 8 है, मैं ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर चुकी हूं, मैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। यह बात नियॉन की हमारे समझ में आ गई। हमने कहा तो फिर नियॉन तुम्हारे ऊपर आयन का कोई चक्कर नहीं है? कहे नहीं, मेरे ऊपर किसी का कोई चक्कर नहीं। 11 नंबर पे गए सोडियम के पास, सोडियम से पूछा इलेक्ट्रॉन कितना है? सोडियम कहे 11। हमने कहा यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो? कहे हाँ कर दो भैया। हम कहे 2 8 1 लिख दो? कहे लिख दो भैया। हमने कहा KLM में ऐसे लिखवा लोगे? कहे हाँ लिखवा लेंगे भैया। हमने कहा और बताओ? कहे पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लगा देना, दूसरे में 8 बना देना बिना सोचे समझे, और तीसरे में 1 बना देना, तो 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा। हमने कहा तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा ना, क्योंकि के ये हो गई, एल ये हो गई, एम ये हो गई, तो एम हमारी आउटर मोस्ट सेल है, तो लास्ट वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हम कहे वो तो ठीक है, तुम्हारी वैलेंसी कितनी होगी? कहे मेरी वैलेंसी भी 1 ही होगी। हमने कहा तुम आयन कौन सा बनाओगे? कहे वही यार, फिर दोबारा बार बार क्यों पूछते हो? मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा, सोडियम आयन बनाऊंगा, Na+ के नाम से जाना जाऊंगा। हम कहे बहुत अच्छे सोडियम, बहुत अच्छे। 11 के बाद 12 पे आ गए। हमने कहा मैग्नीशियम तुम्हारा क्या हाल है? इसने कहा मेरा हाल बहुत बेहाल है, 12 नंबर मेरे भी इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमने कहा मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करोगे? कहे 282 बनाऊंगा। हमने कहा गुड। हमने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा? कहे हाँ 2 हो जाएगा। हमने कहा वैलेंसी के बारे में क्या कह पाओगे? कहते हैं वैलेंसी इसकी 2 हो जाएगी। हमने कहा क्या तुम आयन बनाओगे? कहे हाँ 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके मैग्नीशियम 2+ बनाऊंगा, मैग्नीशियम आयन के नाम से मार्केट में जाना जाऊंगा, EM आयन मैं भी बनाऊंगा। हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? कहें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर पा रहे हैं और नियॉन जैसा हम भी बन पा रहे हैं, और इसीलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन को सदैव लूज करते जा रहे हैं। आइए निपटा दिया इनको भी। 13 नंबर एल्युमिनियम आ चुका है। एल्युमिनियम 13 नंबर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? पहली सेल में 2 होता है, दूसरे में 8 से ज़्यादा भरा नहीं सकता, बचा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 3 हो जाएंगे, इसकी वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। जब इसकी वैलेंसी 3 हो गई बेटा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और 3 को लूज करेगा तो आयन कौन सा बनाएगा? एल्युमिनियम 3+ बनाएगा, Al3+ के नाम से जाना जाएगा। हमने कहा Al3+ बनाकर आपको कैसा लग रहा है? कहे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी नोबल गैस नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका हूं, क्योंकि नोबल गैस में 10 इलेक्ट्रॉन थे, हमारे अंदर भी 10 हैं, इसलिए हम बिल्कुल खुश हैं। हमने कहा 13 के बाद 14 की तरफ चलते हैं। 14 पे सिलिकॉन के बारे में पढ़ते हैं। सिलिकॉन से हमने पूछा इलेक्ट्रॉन कितने भाई साहब? कहे 14। हमने कहा इसी तुम्हारी इसी सब ऐसे बनेगी जैसे पीछे बनाए, पहले में 2 रखो, दूसरे में 8, तीसरे में 4। हमने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारे? कहे 4। हमने कहा वैलेंसी तुम्हारी? कहे 4। हम कहे तुम तो 4 वाले हो? कहे हाँ। तो तुमको क्या समस्या है? कहे तुम तो वो वाले हो? कहे हाँ। कहे कौन वाले? कहे कोवेलेंट बॉन्ड वाले। कहे तुम 4 इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन नहीं करोगे क्या? कहे जब करूंगा, समय आएगा तो बताऊंगा, अभी तुम केवल ये जानो कि मैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा, मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं, मैं 4 वालों से टकराऊंगा, 2 वालों से टकराऊंगा, कैसे टकराऊंगा, कैसे टूटूंगा, कैसे बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, कितने कंपाउंड बना सकता हूं, समय आने पर हम आपको बताएंगे। अभी आप हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और वैलेंसी 4 याद करके रखिए, हमारे आयन के बारे में विचार करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हम कार्बन के परिवार से बिलोंग करते हैं, और कार्बन को कोई छूने वाला संसार में भी पैदा नहीं हुआ है। आइए 15 नंबर पे चलते हैं। सिलिकॉन को पढ़ चुके हैं, 15 पे आए। हम कहे और फास्फोरस? कहे क्या हाल है भैया? Z=E=15। हम कहे हाँ। कहे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन? कहे 15। कहे अच्छा। कहते हैं कि ईसी बनाओ हमारी। ईसी बनाए तो 2 8 5 हो गया, ईसी हो गई। हमने कहा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहना है? कहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। हम कहे वैलेंसी? कहे फिर हम लोग तो नॉन मेटल वालों में से है ना। कहे अच्छा अच्छा वो वाले हो तुम? कहे हाँ। कहे वैलेंसी हमारी 3। हम कहे तो तुम तो घटा के आए हो, तुम नॉन मेटल हो, तुम इलेक्ट्रॉन को गेन किए होगे, इलेक्ट्रॉन को गेन किए होगे, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर निगेटिव आएगा। तो फास्फोरस कहने लगा यार बड़े समझदार हो गए हो। कहे अरे इतनी देर से तुम्हारे वालों को बना रहा हूँ, समझदार नहीं हो जाऊंगा। P3- बनाया तो फॉस्फाइड आयन आया, और अभी रूल हमने आपको पढ़ाया कि जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा बेटा, उसके ऊपर क्या हो जाता है? आइड आयन हो जाता है।
15 के बाद 16 नंबर पे आइए, सल्फर 16 32 को पाइए, यहां से इलेक्ट्रॉन 16 बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में हम लिख जाते हैं 2 8 6 कुछ इस प्रकार पाते हैं। इसके केस में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 6 बताते हैं, इस केस में वैलेंसी हम क्या लिख जाते हैं जरा गौर करिएगा, इस केस की वैलेंसी को पढ़ते पढ़ते 8 - 6 हो गया, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। वैलेंसी कितनी हो गई 8 - 6 = 2 हो गई। यहाँ से हमने कहा कि हे सल्फर तुम अपने आयन के बारे में कुछ बताओगे, कहे हम तो घटाने वालों हैं, हम नॉन मेटल हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, अपने ऊपर 2 माइनस लगाएंगे, सल्फाइड आयन के नाम से भरी बाजार में जाने जाएंगे। हमने कहा वेरी गुड सल्फाइड, लो सल्फाइड आयन हो गया। हमने कहा तुम्हें मिटा देता हूँ, कहे हाँ। सल्फाइड के बाद 17 नंबर पे आइए, 17 नंबर पे हमारा क्लोरीन है, तो क्लोरीन के बारे में हम बात करेंगे। क्लोरीन 17 35 के नाम से जानी जाती है, इलेक्ट्रॉन इसमें 17 हो जाते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन 17 है तो हम कहते हैं जेड बराबर पी बराबर ई बराबर 17 होता है, कहें बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन 17 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इसी लिखते हैं तो हम कहते हैं 287 हो जाएगा, यानी कि इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कहें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में पाए जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे। हमने कहा इसकी वैलेंसी कितनी होगी, कहें 8 - 7 = 1 हो जाएगा, यानी इसकी बनाएगी। हमने कहा हे क्लोरीन तुम तो उनमें से हो जो घटाते थे, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर निगेटिव आएगा क्योंकि तुम नॉन मेटल हो। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, आयन के ऊपर से एल माइनस बनाया, आयड आयन के नाम से इसको जान पाया, ये क्लोराइड आयन बन गया। 18 नंबर पे आइए, 18 में हमने कहा हे आर्गन तुम्हारी केयर में क्या कहा जाए। आर्गन कहते हैं मेरा इलेक्ट्रॉन 18 होता है, मुझसे कुछ कहना नहीं। हमने कहा तुमसे नहीं कुछ कहेंगे तो और किससे कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहता है 2 8 8 हो गया। अब सुनना, यही कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि तीसरे सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 भरे जा सकते हैं, तो सर यहाँ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कैसे हुआ। इसी के बाद रूल फेर मार गया। मतलब आपको यही पढ़ना, 2 8 8 हो गया। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की बात है। हमने कहा इस केस में बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। तीसरी सेल में देखो 8 है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी 8 - 8 = 0 हो जाएगी। अगर इसकी वैलेंसी 0 है तो इसका मतलब यह क्या है, नोबल गैस है, कोई भी आयन नहीं बनाएगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अच्छा अच्छी बात है, नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, नहीं पार्टिसिपेट करेगा। अब कोई कहता है 19 वाले का क्या होगा, 19 वाले में ही बड़ा लफड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 19, ये कौन है, पोटेशियम की बात चल रही है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाएंगे तो 288 के बाद यही 1 लिख लेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 288 के बाद 9 लिखना चाहिए था, है ना, 9 लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, जब क्लास 11th में पहुंचेंगे तो समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट और SPDF का कॉन्सेप्ट यानी सबसे ला जाती है, तो उसके बेसिस पे वो रूल चलता है। तो 2881 हो गया, ठीक है। यहां पर क्या हो जाता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और आयन K+ यानी पोटेशियम आयन बनेगा। 20 के बाद कैल्शियम इलेक्ट्रॉन 20, यहां से Ca2+ आयन बनेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और कैल्शियम आयन बनेगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब जरा देखना, जो कुछ अभी तक हमने 1 से लगा करके 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा दिया है। देखो अब आपको एक चार्ट बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हेडिंग डालिएगा बढ़िया से, ठीक है। ये आपको होमवर्क दे करके आज की क्लास खत्म करूंगा मैं, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक चार्ट बनाना, चार्ट में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे सिंबल, ठीक, एक कॉलम। सिंबल कैसे लिखना हम आपको बताएंगे, उसके बाद आप लिखोगे जेड, उसके बाद आप लिखोगे ई, फिर आप लिखोगे पी, फिर आप लिखोगे एन, फिर आप लिखोगे ईसी, सीसी बोतल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपका इच्छा है तो रिप्रेजेंटेशन लिख लो, रिप्रेजेंटेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर लिखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर लिखोगे वैलेंसी, फिर लिखोगे आयन,
फिर लिखोगे आयन नेम, ठीक है, ये होगा। अब हम आपको कुछ करके इसमें दिखा देते हैं। जैसे आपने कहा इसको डिब्बे में बंद कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये देखिए डिब्बे में बंद करते हुए, तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। हम कहते हैं सिंबल में, सिंबल जो भी आप रिप्रेजेंट, जैसे मान लो हाइड्रोजन के बारे में लिखना, तैसे लिखना 1H1, Z1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन आपका क्या होगा। अगर इस टेबल को केवल समझ गए तो आपको जीवन पर्यंत कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि इस केस में H प्लस और H माइनस के सिवा और कुछ हरा नहीं सकता। यहां से क्या हो जाएगा, यहां लिखना हाइड्रोजन आयन और उसी के नीचे प्यार से लिख देना हाइड्राइड आयन, ये दोनों आयन बना लिए। देखिए कितना अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं, हमें तो उम्मीद है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब आप कितना हमारी बात समझ पा रहे हैं, अगर नहीं समझ पा रहे तो इसमें भी आपकी प्रॉब्लम है। देखिए एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, इलेक्ट्रॉन कितना है 6, प्रोटॉन कितना है 6, 12 माइनस 6 बराबर न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो पहली सेल में 2 और दूसरे में 4, तो पहले ऐसे बनाओगे न्यूक्लियस, पहली सेल में 2 और दूसरे में 1 2 3 4 बना दिए। वैलेंसी कितनी हो गई बेटा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, वैलेंसी हो गई 4, आयन नहीं बनाएगा यार, क्योंकि ये है कार्बन बेकार। आओ 11 नंबर, अपने सोडियम से मिलवाते हैं आपको, ये सोडियम 23, सोडियम 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन 11 हो गया, प्रोटॉन 11 हो गया, न्यूट्रॉन 12 हो गया। है सर आपको कैसे पता चल जाता, अभी जैसे बताया वैसे बहुत पता चलता है, हम का दोनों रटंतु तोता थोड़ा ना। 281 हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली सेल में 2, दूसरी सेल में बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरी सेल में क्या हो गया 1। तो क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, आयन Na प्लस और इसको क्या कहेंगे सोडियम आयन। ये हमने 2-3 एग्जांपल आपको बता दिए, एक और हम करा देते हैं आपको भी अच्छा लगे, क्लोरीन 1735 का, ठीक है। जरा अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो आप भी करें, लेकिन रहने दो, आप परेशान ना हो, आप बाद में करना। 28 और यहाँ क्या हो जाएगा, वैलेंसी हमारी इसकी कितनी, ये बन जाएगा 287। तो हम क्या कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, पहली सेल में 2, फिर दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया बेटा, वैलेंसी 8 - 7 = 1 हो गया, आयन में Cl- हो गया, नाम बड़े प्यार से इसका लोग लिखते हैं क्लोराइड आयन। आइड का भी बता दिया और ईएम का भी बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी और इस प्रकार से हम ये देख पाए कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए लास्ट स्टेप में जो हमें बातचीत करनी थी वो हम पूरा का पूरा डिटेल आपको समझा दिए। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख गए, यानी किसी क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे निकालेंगे वो बात हमने आपको समझा दी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट या आप कह सकते हो सूचना है आपकी अगली क्लास के लिए कि जिसको, ये तो एक छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप में से किसी को, जितने भी लोग क्लास में हैं या जो कोई भी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से साक्षर होने का प्रयास कर रहा है, आप सब में से किसी को भी एटम एंड मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ एटम या आपके केमिस्ट्री वाले पोर्शन के किसी भी चैप्टर से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे हमें कमेंट सेशन में लिख करके बता सकते हैं। यानी कि 3rd और 4th चैप्टर जो आपका है, इस 3rd और 4th चैप्टर में अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लग रही है कि ये सर टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ाया जाए, तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, हम उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा देंगे। और उसके साथ साथ ही जानकारी के लिए एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, वो बात सिर्फ इतनी सी है कि 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर पे 1 शॉट लेक्चर्स आपके यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर दिए जाएंगे, जहाँ पर आपको मिलेगा एक ही लेक्चर में लगभग 1 से 2 घंटे 3 घंटे की क्लास में आपका कोई एक चैप्टर समाप्त होता दिखाई देगा। मैटर इन और सराउंडिंग का लेक्चर आजकल में अपडेट हो जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें, मेहनत से पढ़ें, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बाकी आप समझदार हैं ही। और कुछ पूछना समझना सिर्फ इतना सा है कि एग्ज़ाम बहुत करीब हो चुके हैं, अगर
आपके लिए एक सुविधा के तौर पर हम ये इतना और कहना चाहेंगे कि अगर अभी आपको प्रॉब्लम लग रही है कि जैसे आपको लगता होगा कि सर एटम एंड मॉलिक्यूल के अंतर्गत हमें क्रिस क्रॉस मेथड नहीं आता, या आपको मोल कॉन्सेप्ट तो मैंने पीछे अपडेट कर दिया लेक्चर, या आपको क्रिस क्रॉस मेथड नहीं आ रहा, तो क्रिस क्रॉस मेथड नहीं आ रहा है तो आप उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर क्रिस क्रॉस मेथड पर भी वीडियो एक अपलोड कर दीजिए तो हम अच्छे से सीख सकें, क्योंकि 9th बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट क्लास के लिए। और 10th जो 4th चैप्टर है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप उसे डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन ज़रूर करें, हम आपके मैसेज का इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट क्लास तक के लिए, जिससे कि हम अगली क्लास में हम आपको ये, अगर आज की क्लास में आप मैसेज कर देते हैं तो हम आपको अगली क्लास में उस पर एक लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी तो वन शॉट लेक्चर्स अपलोड होने ही वाले हैं, 2-3 दिन में आपके एग्ज़ाम से पहले वन शॉट वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप उसे देखना ना भूलें। चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को पढ़ने के लिए सजेस्ट अवश्य करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा फुल सपोर्ट करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।